प्यारे बच्चों, मैं रैम सर रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के वीडियो में हम देखेंगे आपकी हार्दिक डिमांड पर, हजारों लाखों छात्रों की डिमांड पर कि सर साइकोलॉजी के वीडियो डालिए। तो लीजिए, मैं आपके सामने हूँ साइकोलॉजी के वीडियो के साथ। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर तुमने मेरे चेहरे को पढ़ा। मुझे पूरा नहीं ध्यान है, लेकिन आई होप कि ऐसा ही कुछ है कि देखिए, अगर आप शिक्षक भर्ती, KBS, रीट, MP टेट, CTET, UP टेट, सुपर टेट, किसी के भी स्टूडेंट हैं, तो एक वो सब्जेक्ट जो पूरे भी भारत में भी सही से कोई पढ़ा नहीं पाता है। सही से पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें सही ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स या इतने कठिन शब्द होते हैं या कठिन तरीके से जो भाषा है उसे वो आसानी से आपके सामने रख नहीं पाते हैं। और इसकी वजह से आपको हमेशा साइकोलॉजी जो है आपको क्या लगती है, टफ लगती है। तो आइए इसी सब को बड़ा सरल बनाते हैं, पूरी एक साइकोलॉजी की सीरीज जिसमें आपको बड़े ही आसान, कभी आप ये कोशिश ना करिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, बस सोचिए कि वास्तव में एक जो साइकोलॉजी वर्ड होता है, हम कहते नहीं है साइकोलॉजी समझिए, तो साइकोलॉजी कोई विषय नहीं पढ़ रहे होंगे हम क्या समझ रहे होंगे, साइकोलॉजी समझ रहे होंगे। बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, यहाँ तक जीरो से कि आज के लेक्चर में मैं जो आपका सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र करके आता है, अगर आपने BEd या BTC DLED कर रहे होंगे तो वहाँ लिखा होता है शिक्षा शास्त्र। और आपका आज की डेट में जो आपके CTET या UP TET में सिलेबस में जो सब्जेक्ट लिखा होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान से निकला हुआ होता है और सब्जेक्ट का नाम होता है बाल विकास एवं उसका अध्ययन। तो चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तो इन दो शब्दों को जानते हैं, एक का नाम है क्या, शिक्षा, और एक का नाम क्या है, मनोविज्ञान। तो सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान। अगर हम हिंदी में देखें तो मनोविज्ञान का हिंदी संधि विच्छेद होगा मनः धन विज्ञान, विसर्ग संधि होगी इसमें, और आपका इसका हिंदी अर्थ होगा मन का विज्ञान। तो देखो हिंदी में तो हिंदी वालों ने कह दिया कि भैया मनोविज्ञान का मतलब होता है मना विज्ञान। अब ये जो मना विज्ञान, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। आज तक आप नहीं समझ पाए कि आपका मन कब सही कह रहा होता है, कब मन गलत कह रहा होता है। लॉकडाउन के दौरान कितना आपसे कहा गया होगा आपके मन ने कहा ना कि यार पढ़ लो यार, इतना बढ़िया मौका मिला है, कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं करना, घर पे रहना। ये तो मतलब जो भी प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र हैं उनके लिए तो ये गोल्डन लॉकडाउन था, कितना कुछ नहीं सीख सकते थे, और बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन तब भी क्या हुआ, सुबह उठे तो शाम को पढ़ेंगे, शाम को सोए तो सुबह पढ़ेंगे, और यही चलता रहा है। तो मन को तो ना समझ पाए अपन। इवन जो भारतीय विद्वान है उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही हैं मन के बारे में कि भैया मन चंचल है, कोई कहता है मन की सुनो, मन डिफाइन ही नहीं हो पाया। तो जो भी साइकोलॉजी है, जो भी आपकी बुक्स में मिलती है, एग्जाम्स में आती है, वो हिंदी राइटर्स के हिसाब से नहीं आती है। सारा का सारा काम जो हुआ है साइकोलॉजी पे, वो सारा काम कहाँ हुआ है, फॉरेन में हुआ है। तो चलते हैं फॉरेन की तरफ, और मनोविज्ञान को फॉरेन में क्या वर्ड दिया गया, साइकोलॉजी दिया गया। साइकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना था, ग्रीक भाषा या रोमन भाषा के दो वर्डों से, नाम थे साइकी और लोगस। साइकी का मतलब हिंदी में क्या था, आत्मा, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। जैसे आपने देखा होगा जियोलॉजी, आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री या मैथमेटिक्स, तो ऐसे ही जूलॉजी, बायोलॉजी आप बोलते हैं, वैसे सही प्रोनंसिएशन बायोलॉजी है। तो जो भी लॉजी या लोगस होता है इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब जानना या फिर अध्ययन करना। तो फाइनली फर्स्ट जब हम देखें तो साइकोलॉजी मतलब साइकी प्लस लोगा, साइकी माने क्या था, आत्मा, तो आत्मा का अध्ययन ही क्या था, साइकोलॉजी। और ये याद रखना कि साइकोलॉजी कोई बहुत पुराने ज़माने से नहीं आ रहा है, मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया है, विकास। 15वीं 16वीं शताब्दी तक तो ये भी वर्ड नहीं था। पहली बार एक किताब आई रूडोल्फ गायकले की, आउटलाइन साइकोलॉजी, जिसमें इस वर्ड को मेंशन किया गया साइकोलॉजिया के फॉर्म में। फिर धीमे धीमे इस वर्ड का आगे जाकर वर्ड का नाम क्या बन गया, साइकोलॉजी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का मतलब था आत्मा का अध्ययन, ये किस कब टाइम था, 16वीं सदी के आसपास। और किन इनको मानने वाले लोग कौन थे, अरस्तू, प्लेटो, रूसो और भी सही कई सारे। याद रखना इन तीनों ही क्या है, ये दार्शनिक है, फिलोसफर हैं।
जैसे आपने एक सुना हो, आई होप कि सुना ही हो, कॉपरनिकस था जो कहता था सूरज जो धरती है वो सूरज के चारों चक्कर लगाती है, लेकिन अगर हम कॉपरनिकस को इसकी बात पे जेल हो गई थी क्योंकि अपन यहाँ से देखते हैं तो अपने को क्या लगता है कि सूरज अपने चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा अपने चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसी बात पर क्या हो गई थी इसे जेल कॉपरनिकस को, और बेचारा को मृत्यु प्राप्त हो गई। मृत्यु के उपरांत तो उसे सम्मान मिला कि नहीं कॉपरनिकस सही था, हम लोग क्या थे गलत। तो वैसे यहाँ पर है कि अरस्तु, प्लेटो और रूसो, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ये सर्च करने की बात है, आगे की वीडियोज में मैं बताऊंगा। इन तीनों दार्शनिकों के बीच आपस में एक संबंध है, अब वो संबंध क्या है वो एक अलग बात है, चूंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, तो देखते हैं। आप लोग जरूर बताना कि अरस्तु, प्लेटो और रूसो के बीच आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। अभी के लिए मैं बस इतना बता देता हूँ कि ये क्या है, दार्शनिक है। तो ये लोग क्या मानते थे कि ये आत्मा का क्या है, अध्ययन है। अगर आत्मा का अध्ययन मानते तो बात ये हुई कि भैया या तो अच्छी आत्मा होती थी 16वीं शताब्दी में, या फिर बुरी आत्मा होती थी, मतलब अच्छा राजा होता था या फिर क्या होता था, बुरा राजा। अब हुआ क्या, कई बार क्या हुआ कि एक अच्छे राजा ने बुरा काम कर दिया और एक बुरे राजा ने अच्छा काम कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि कोई राजा हुआ करता था तो उसने क्या किया, गरीबों को धन बांट दिया या फिर कोई भलाई के काम कर दिए, जबकि वो गरीबों को मारने और प्रताड़ित करने के मतलब लिए विख्यात था। तो क्या मतलब हुआ कि एक बुरे राजा ने अच्छा काम कर दिया, और कई बार अच्छे काम, अच्छा राजा था, गरीबों की खूब सुनता था राम की तरह, और सीता को क्या कर दिया, वनवास भेज दिया। अब अभी रामायण देख रहा हूँ तो सीता की खुद की इच्छा थी, लेकिन जो भी किंवदंतियाँ अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो राम एक बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन एक बुरा काम क्या कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जैसे तैसे जिस पत्नी लड़ लिया उसी को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या, इसके पीछे मैं बिल्कुल न्यूट्रल विचार रखूँगा, जस्ट एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, आप इसके ऊपर में ये विवादित है कि ये सही था कि गलत, लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे एक अच्छे राजा ने कोई छोटा सा बुरा काम कर दिया, अब आपको भी मालूम होगा कि ये जो अच्छे वाले ने बुरा काम कर दिया या एक बुरे वाले ने एक अच्छा काम कर दिया, ये सब अगर कर दिया तो यहाँ तो ये लोग कहते थे आत्मा जो है या तो अच्छी होती है या फिर क्या होती है, बुरी। मतलब एक अच्छी आत्मा हमेशा क्या करेगी, अच्छे काम, और एक बुरी आत्मा हमेशा क्या करेगी, बुरे काम। लेकिन होता क्या है आमतौर पर कि एक अच्छी आत्मा परिस्थितियों के मतलब दासी होती है, तो परिस्थितियों के अनुसार कोई भी कभी भी बहुत अच्छा हो सकता है और कोई भी कभी भी बहुत बुरा हो सकता है। तो फाइनली हमने क्या जाना कि आत्मा का ये जो कंसेप्ट है ये क्या हो गया, गलत हो गया, और अरस्तु प्लेटो की विचारधारा क्या हो गई, गलत। तो फिर किसकी बारी आई 17वीं शताब्दी में, मन का अध्ययन करने की बारी आई, किसकी आई, मन का अध्ययन। तो इसमें जो लोग थे कई सारे हैं इनमें भी, लेकिन आपको मैंने कुछ मेन व्यक्ति लिखे, इसमें सबसे पहला जो मेन बंदा है मैकडूगल है, पंपानोजी है, और साथ में थॉमस रीड है, ठीक है। आप याद रखेंगे मैकडूगल, पंपानोजी और थॉमस रीड। तो मैकडूगल से माँ और माँ से क्या, मन, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। मैकडूगल से माँ और माँ से क्या, मन। तो इसने कहा कि भैया मन का अध्ययन है, लेकिन मन तो अभी अभी अपन ने देखा, हिंदी में नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में कौन सा समझ में आएगा। यहाँ मन के बारे में दो बातें हो गई, आपने धोनी का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वो कहता है जिद करो और दुनिया बदलो, मतलब वो कहता है कि मन की सुनोगे तो आप आगे जाओगे। जैसे धोनी ने अपने टिकट कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आपका क्रिकेट में चला गया और आज की डेट में पूरे भारत उसे जानता है, तो वो कहता है जिद करो और दुनिया बदलो। लेकिन वही के विपरीत अपन ने तो जितनी बार मन की सुनी अपने को क्या हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। कहने का क्या मतलब है कि अपने यहाँ तो ये कहावत है कि जिस प्रकार पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है, उसी प्रकार मन हमेशा तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। अगर मन की सुनोगे तो हमेशा कहाँ गिरोगे, गड्ढे में गिरोगे। तो फाइनली मन के बारे में ही दो विचारधाराएं पैदा हो गई, कि एक लोग कहते हैं कि मन हमेशा अच्छाई की ओर ले आता है, तो एक लोग कहते हैं मन हमेशा बुराई की ओर ले आता है। तो यार ये बात भी क्या हो गई, गलत। 17वीं शताब्दी में जो मन का अध्ययन माना गया साइकोलॉजी को, ये भी क्या हो गया, गलत। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ और नए विद्वान आए, एक अमेरिकी दार्शनिक आया, ये बड़ा क्रांतिकारी था। इसका मतलब ये फिलॉसफी थी कि अगर तुम्हारा जो मन है सो करो, और अगर तुम्हें लगता है कि किसी को गोली मारना तो मार दो और फिर फील करो कि क्या होता है। तो इस तरीके से ये जो सिगमंड फ्रायड है, एक अमेरिकी दार्शनिक था और इसके विचार काफ़ी प्रभावित थे। तो इसने कहा कि ये जो साइकोलॉजी है, ना तो ये आत्मा है, क्योंकि अच्छी और बुरी वक्त के बीच में हम फंस गए थे, और मन भी ऐसा ही कुछ अच्छा भी था तो कभी कोई कहता था बुरा था। तो उसने कहा कि ये जो साइकी है, मतलब साइकोलॉजी वर्ड का साइकी है, वो ना आत्मा है ना मन है ना
न मन है, क्या है, चेतना है। मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास क्या माना गया, इसे चेतना माना गया। अब ये चेतना क्या होती है, चेतना को समझाने के इसने पूरी थोड़ी समझा। इसने कहा कि ये जो चेतना है वो तीन भागों में बटी है। मतलब एक तरीके से है तो मन, लेकिन चेतना कितने भागों में बटी है, तीन भागों में। एक होता अपना चेतन मन, एक होता अवचेतन मन, और एक होता अचेतन मन। चेतन मन की अंग्रेजी होती है कॉन्शियस माइंड, तो अवचेतन मन की अंग्रेजी होती है सब कॉन्शियस माइंड, और अचेतन मन की अंग्रेजी होती है अनकॉन्शियस माइंड। अब इधर देखिए, कॉन्शियस माइंड क्या होता है या चेतन मन क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए याद रखिए, जैसे आप सपोज अभी करिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपका ये पहला वीडियो तो बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे हो सकता है किसी को बोल लग रहा हो सकता है बड़ा अच्छा लग रहा हो, जो मुझे जानता होगा वो तो थैंक यू बोल रहा होगा कि अरे सर ने फाइनली ये वीडियो डालने चालू कर दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये सब आप किससे सोच रहे हो, चेतन मन से सोच रहे होते। जो भी आप मेरी वेशभूषा हाव भाव भाषा पर ध्यान दे रहे हैं वो किस मन के द्वारा दे रहे होते हैं, सामने मन के द्वारा दे रहे होते हैं, चेतन मन के द्वारा। लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरी भाषा है, आप ये भी सोच रहे होगे ये वाला एग्जाम्पल कैसे दे दिए, ये वाला एग्जाम्पल कैसे दे दिए। तो जो पीछे आपके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं बैठ कर वीडियो को देखने के बाद या किसी क्लास टीचर का लेक्चर लेने के बाद, जैसे होते तो क्लास में लेकिन हम कई जगह घूम रहे होते हैं, जैसे अभी मैंने राम का एग्जाम्पल लिया, तो आप भी रामायण में घूमा होगे जाके कि हाँ यार अभी वही चल रहा है उत्तर रामायण, आज का वीडियो अगर मैं अपलोड करूँगा तो उसी में यही सब चल रहा है। तो भैया चेतन मन का मतलब होता है, आप याद रखना अगर आपको ना समझ में आए, ऐसा मन जो वर्तमान की चीजों के लिए काम करता है, प्रेजेंट में बिलीव करता है, मतलब हमेशा वर्तमान पर ध्यान देता है। तो अवचेतन मन क्या होता है, जो वर्तमान पर ध्यान देने के साथ साथ उसके पीठ पीछे दिमाग में जो बातें चल रही होती है, मतलब जो थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, विचारों को कंट्रोल करता है। आप कभी देखिए हमेशा जब भी आप कोई काम करेंगे तो दो तरीके मन काम करें, एक जो सामने देख रहा है उसके बारे में सोच रहा होता है, और उस बारे में सोच जो सोच रहा होता है वो अवचेतन मन होता है, और जो वास्तव में सामने ध्यान देकर काम ही कर रहा होता है वो क्या होता है, चेतन। और एक मन ऐसा होता है जो न चेतन होता है ना अवचेतन, मतलब ये कब काम करेगा, जब चेतन और अवचेतन दोनों काम करना क्या कर देंगे बंद, कौन सा मन कहलाएगा, अचेतन। एक बात ध्यान देना, ये सब कॉन्शियस है, SUB सब कॉन्शियस, और ये क्या है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब होता है जब आपका विवेक जीरो आता है, विवेक का मतलब होता है सोचने और समझने की क्षमता। जैसे कोई वीडियो देख रहा है कभी बिना मन के देखें, मतलब विवेक काम नहीं कर रहा है। तो अचेतन मन जैसे बेहोश हो जाते हैं, या आप गहरी नींद में सो जाते हैं, तो फिर रात में आप चिल्ला रहे होते हैं किरण तुम कहाँ हो, किरण तुम कहाँ, मम्मी पूछते हैं ये किरण कौन है जो तुम सुबह रात में चिल्ला रहे होते थे, तो ये सब किस में आता है, अचेतन मन में आता है। तो वह मन जो आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों के काम करने पर बंद करने पर काम करता है तो क्या हो जाएगा, अचेतन मन। और अगर तीनों काम करना बंद कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, इसका मतलब आप धरती पर नहीं हो, फिर तो आपकी जगह कहाँ है, स्वर्ग या नरक में है, ठीक है। तो ये है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। चेतन मन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि फ्राइड ने कहा कि ये जो चेतना है इसको समझने के लिए तीन काम करने होंगे, चेतन मन पर, अवचेतन मन पर और अवचेतन मन पर। चेतन मन जो वर्तमान पर ध्यान देता है, अवचेतन मन थॉट प्रोसेस पर काम करता है, अचेतन मन जो कि दोनों के काम बंद करने पर उस नींद की अवस्था में या बेहोशी की अवस्था में काम करता है। एक और बात आपको मैं बता दूं, याद रखना कि अगर आपका माइंड 100% है तो सिर्फ 10% ही क्या करता है, चेतन मन काम करता है, और 90% कौन काम करता है, अवचेतन। क्या मतलब है, और जब दोनों काम करना बंद कर देंगे तभी तो चेतन काम करेगा, क्या मतलब है इसका। आपने देखा हो कोई काम आप करते हैं तो उसके काम को करते काम में सोचते ज़्यादा, अरे यार मैं आप पढ़ूंगा, मैं आप पढ़ूंगा, मैं आप पढ़ूंगा, 2 बजे पढ़ लूँगा, 4 बजे पढ़ लूँगा, 5 बजे पढ़ लूँगा, पढ़ ही लेंगे। मतलब कौन काम करता है, अवचेतन, विचार काम करते रहते हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने का जो मन काम करता है वो होता कौन, चेतन, और वो काम बहुत कम करते हैं। तो याद रखना चेतन मन हर किसी का कम काम करता है। एक बात और याद रखना, हमेशा जो अच्छा मन होता है वो अवचेतन मन का कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये थॉट्स विचार को जनरेट करता है, कार मैन नहीं है, विचार मैन है। जब तक आपके अंदर विचार नहीं आए होंगे तब तक वो आप काम करोगे क्या। एक बहुत बात और याद रखना, देखिए आपके साथ समस्या है, देखिए दो तरीके व्यक्ति होते हैं, एक बहुत अच्छे और एक बहुत बुरे, या सकारात्मक और नकारात्मक। तो याद रखना सकारात्मक व्यक्ति कौन होते हैं, जो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग सारे काम पूरे कर लेते हैं, और नकारात्मक व्यक्ति कौन होते हैं, जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सारे काम पूरे नहीं कर पाते। देखिए आप दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक तरीके स्टूडेंट ये कि जो चाहते होंगे वो कर लेते होंगे, आपका एक डेली रूटीन होगा 6 बजे जगना, शाम को 6 बजे पढ़ना, सुबह
6 बजे खेलना या 7 बजे खाना बनाना, ऐसा रूटीन होगा। और एक का कोई रूटीन ही नहीं है, बढ़िया ज़िंदगी चल रही है और चाहिए सब कुछ है, नौकरी भी चाहिए सब कुछ चाहिए, इसी ये भी समझ में आ जाए, बिना वीडियो देखे समझ में आ जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, नकल मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, ऐसे भी मन होंगे। तो यार ही आप अपना याद करिए बचपन, कहते नहीं बच्चे का मन हमेशा कैसा होता है, बच्चा मन का सच्चा। तो जब बचपन था तब आपका चेतन मन आपका गुलाम था और आपका अवचेतन, कन्फ्यूज मत होना, मैं एक उदाहरण से और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ चेतन अवचेतन को, कि जब आप छोटे होते हैं तो आपका मन का राजा कौन होता है, अवचेतन मन, जो विचारों को आपको प्रोसेस करता है और कहता है कि अच्छे काम करिए। जब पहली बार पेंसिल चुराई होगी तो कितना डर लगा होगा कि यार नहीं पेंसिल नहीं चुरानी, अगर पकड़ लिया तो ये दोस्त मारेंगे, घर पर अगर ले भी गए मम्मी ने देख ली तो मम्मी मारेंगी, टीचर से पकड़ेगा टीचर मारेगा। लेकिन क्या हुआ, चेतन मन ने तुम्हें लात मारी, कहा अरे यार हो गया यार, पेंसिल अच्छी लग रही इसे चुरा लो। और फाइनली आपने क्या चुरा ली, पेंसिल चुरा ली, पेंसिल चुरा के घर पे ले गए। अगर मम्मी ने कहा बहुत बढ़िया काम किया बेटा आप, तुमने तुम तो रोज़ ऐसी पेंसिल चुरा के लाया करो, अपन अपनी दुकान खोल लेंगे, तो फिर क्या होगा, आगे से आप पेंसिल चुराना क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे। मतलब आपने अपने अवचेतन मन को हरा दिया, जिसने कहा था कि पेंसिल मत चुराना, चेतन मन क्या कह रहा है, अरे यार चुरा लो कौन देख रहा, नहीं तो कभी ज़िंदगी में ऐसी पेंसिल हमारे पास होगी नहीं। तो आपने अवचेतन मन को हरा दिया और चेतन मन को क्या बना दिया, राजा। धीमे धीमे इस तरीके से अगर गलत काम करना सीख गए तो आपके मन का राजा आज कौन है, चेतन। अगर आप जो सोचते हैं और वो कर नहीं पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसलिए क्योंकि आपके मन का राजा कौन हो चुका है, चेतन मन। तो धीमे धीमे आज से स्टार्ट करिए, आज से आप क्या करिए कि फिर से अपने चेतन, जैसे अब चेतन मन ने चेतन मन को हराया था, चेतन मन ने अब चेतन मन को हराया था, अब आप आगे अब चेतन मन के द्वारा चेतन मन को हराने लगी है। कैसे, जैसे अभी वीडियो देखेगा, फिर वो कोई आप मतलब वीडियो देखने के बाद आपका मन करेगा यार चलो इसे नोट डाउन कर लें, तो दूसरा कहेगा स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों बातें ठीक है, लेकिन तीसरा कहेगा अरे यार चलो फिर देख लेंगे, या बीच में आधा वीडियो पॉज करके अब बहुत हो गया यार बाद में देख लेंगे, या डेटा जा रहा है, ऐसा कुछ दिमाग में आने लग जाएगा कि अभी नहीं देखेंगे। तो ये सब कौन करवा रहा है आपसे, चेतन, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप अच्छा करें। इसको लट एक और मन कौन होगा, अवचेतन, जो कह रहा होगा नहीं यार कोई भी चीज़ शुरुआत से देखो, पहला वीडियो है रोज़ देखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, इकट्ठे वीडियो देखेंगे तो कभी नहीं देख पाएंगे और हमेशा इरिटेट हो जाएंगे और फिर आपको बेकार लगने लग जाएगा। तो याद रखो, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आज से आप चेतन मन को लात मारना चालू कर दीजिए और अवचेतन मन को जिताना क्या कर दीजिए चालू। धीमे धीमे फिर से आपके मन का राजा कौन हो जाएगा, अवचेतन। याद रखना, सकारात्मक व्यक्तियों का मन का राजा अवचेतन मन होता है और नकारात्मक व्यक्तियों के मन का राजा कौन होता है, चेतन मन होता है। धीमे धीमे आप चेतन मन को आगे बढ़ाइए, चेतन मन को पीछे लाइए, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां के लोग सफल लोग कहलाते हैं। जो सफल होते हैं उनके मन का राजा कौन होता है, अवचेतन मन। अपने विचारों को सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। अवचेतन मतलब अंतरात्मा की आवाज़, अंदर की आवाज़, ठीक है, मन की आवाज़ नहीं, आत्मा की आवाज़। धीमे धीमे और अच्छे से क्लियर होगा मन और आत्मा में क्या अंतर है, ठीक है। तो चेतन अवचेतन अचेतन समझ में आ गया, चेतन मतलब जो प्रेजेंट पर ध्यान देता है, अवचेतन मतलब जो आपके विचारों को कंट्रोल करता है, और चेतन मतलब जो बेहोशी या नींद की अवस्था में काम करता है। अब ये बात तो हुई चेतना की, और ये बात समझ में भी आ गई, 18वीं 19वीं सदी खूब चली, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, तो देखो यार ये चेतना वगैरह जो है ये तो खूब समझ में आ रही है, लेकिन किसको समझ में आती है, ये तो इंसानों को समझ में आती है, ये चेतन मन हमारा वर्तमान में काम कर रहा है, अब चेतन काम कर रहा है, ये किसको समझ में आएगा, इंसानों को। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपके घर में कुत्ता पाल रखा होता है आपने, वो कुत्ता भी तो आपकी भाषा समझता है, 2-3 दिनों बाद वो बाहरी जाके पोटी करता है, आप बोलते हो टॉमी तो टॉमी बोलने पर आता भी है। तोता को ले लो आप, चाहे बिल्ली को ले लो, ये सारे लोग भी तो आपकी समझ के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई चेतना नहीं होती, ना इनके पास चेतन होता, ना अवचेतन, ना चेतन होता है। तो फाइनली पहले सबसे पहले आत्मा अच्छी और बुरी गलत हो गई, मन भी गलत हो गया, और अब चेतना वाला कंसेप्ट भी क्या हो गया, गलत। तो इसके बाद आए भाई साहब वाटसन और ये इनके चेला चपाटे हैं। देखिए ये मेरी अपनी शब्दावली है, ऐसे बुकों में नहीं मिलेगी, धीमे धीमे आप मेरी शब्दावली से परिचित हो जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया वाटसन ये पापा एक तरीके से मतलब ये मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्या हैं, जनक हैं, ठीक है, और ये इनके चेला चपाटे हैं। नाम क्या है फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, थार्नडाइक, पावलोव, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी। मैं फिर से रिपीट करूँ तो थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी, और कौन जनक है इसका, आपका वाटसन, ठीक है। तो भैया वाटसन भाई साहब आए, इन्होंने कहा यार ये आत्मा मन चेतना कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, व्यवहार होता है। मतलब साइकोलॉजी, साइकी का मतलब क्या है, व्यवहार है।
व्यवहार का अध्ययन है। तो इस तरीके से 20वीं या 21वीं सदी के आसपास, मतलब याद रखना भारत देश में 1930 के आसपास से मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान। और जो आपका विदेश मतलब फॉरेन कंट्रीज है वहाँ 1850 या 1820 के आसपास से ही इसे आपका किसका विज्ञान माने जाने लग गया था, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार को मानने वाले लोगों में कौन कौन है, वाटसन बंदा मैन, बाकी पांच उसके चेले हैं, आगे और भी हैं कई सारे, हर जगह आप याद रखना, ये मैंने मैन मैन बंदे लिखे हैं, इसमें भी आदि है और इसमें भी आदि। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो गया, व्यवहार का अध्ययन। अब आप कैसे समझोगे व्यवहार का अध्ययन, देखिए आप ही खुद सोचिए कि आपकी दोस्ती किससे होती है, जिससे आपका व्यवहार मिलता जुलता है। आपको भी कुल्फी पसंद है, आपके दोस्त को भी कुल्फी पसंद है, फाइनली आपकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई। ठीक है, आपको पढ़ना पसंद है, आपके दोस्त को भी पढ़ना पसंद है, तो आपकी क्या हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, अगर किसी के साथ आपकी बनती है तो बनती तभी है जब आपका व्यवहार उसके व्यवहार दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये जो साइकोलॉजी वर्ड है, साइकी ग्रीक भाषा रोमन भाषा के वर्ड से बना था। सबसे पहले इसका मतलब क्या माना गया, आत्मा। आत्मा या तो अच्छी थी या बुरी, लेकिन कई बार अच्छी आत्मा ने बुरे काम किए और बुरी आत्मा ने अच्छे काम किए, और ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया, गलत। इसको मानने वाले लोग कौन से थे, अरस्तू, प्लेटो और रूसो। और ये किस सदी में था, 16वीं सदी में। फिर इसके बाद 17वीं सदी आई, इसमें आत्मा की जगह क्या माने जाने लग गया, मन का अध्ययन। किसने माना, मैकडूगल ने, पंपानुजी, थॉमस रीड उसके सहायक थे। इसके बाद हम 18वीं सदी में, और चेतना का अध्ययन माना, क्योंकि मन को समझाना बड़ा मुश्किल था कि कभी अच्छा कह रहा है और कब बुरा। फ्राइड ने बड़ी अच्छी थ्योरी दी, बड़े अच्छे समझाया कि भैया चेतन मतलब वर्तमान में जो काम करता है, अवचेतन मतलब जो विचारों को कंट्रोल करता है, और चेतन मतलब जब दोनों काम करना बंद कर देता है तो चेतन काम करता है, अध्यमित इच्छाओं का घर होता है। आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। इसके बाद आया किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार 20वीं 21वीं सदी के आसपास आया। कौन इसके जनक थे, वाटसन, और साथ में कौन है, थंडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। हिंदी में भी समझ में आ गया होगा और अंग्रेजी में भी समझ में आ गया। और फाइनली ये जो मनोविज्ञान है, इसका मतलब क्या निकला, मानव व्यवहार का अध्ययन। गाइज क्लियर है आपको, मानव व्यवहार का अध्ययन। चलो मनोविज्ञान वर्ड तो समझ में आ गया, ये वाला वर्ड तो समझ में आ गया। अब आते हैं इधर शिक्षा की तरफ। फिर से देखो दो बातें बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, हिंदी भी समझे, अंग्रेजी भी समझे, और वो भाषा में समझे जिससे आपको अच्छा लगे, दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप और आसान होती चली जाएंगी। तो ठीक है, पर शिक्षा देखते हैं। शिक्षा अगर हिंदी में जाएंगे तो शिक्षा नाम है, और क्या नाम है, विद्या। शिक्षा मतलब हिंदी में क्या कहलाएगा, दो तरीके से जानेंगे। शिक्षा शिच धातु से बना है, और शिच धातु का मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाना, और विद्या मतलब होता है विद धातु, जिसका मतलब होता है जानना और जनवाना। मतलब एक तरीके से ये कहता है शास्त्रों का अध्ययन, गुरुकुल पद्धति। यार ना देखिए, बड़ा सा आपको लग रहा होगा ये सिमिलर वर्ड है, नहीं, ये शास्त्रों का अध्ययन है, गुरुकुल पद्धति। राम, अभी अभी रामायण देखे होंगे, राम गए थे आश्रम में, तो वहाँ क्या ओरली पढ़ाई होती थी, मतलब गुरु जी बोलते थे, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेमित्व लोगे भूवा रूपता मनुष्य रूपेण मगास चरंती, ऐसा मतलब कोई भी श्लोक बोलते थे और राम उसे ओरली रोटेट करते थे। इस तरीके से गुरु से शिक्षा कहाँ हो गई ट्रांसफ़र, उनके शिष्यों को, और फिर से उन शिष्यों से फिर उनके शिष्यों को, ऐसे मुँह जबानी होती थी। इसी को कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन अगर जानना और जनवाने पर बात आई तो इसका मतलब है किसी चीज़ को करके सिखाना। ये जो विद्या है ये हमेशा याद रखना, करके सीखी जाती। आप लोग बहुत सारे बच्चे या टीचर मैंने देखा कहते हैं ये पढ़ लो, ये रट लो, ना कभी पढ़ाई होनी चाहिए और ना कभी रटाई होना चाहिए। पढ़ने और रटने से किसी का कल्याण नहीं हुआ, लेकिन सीखने से, या ना पढ़ना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो विद्या वर्ड का मतलब था जानना, जैसे एकलव्य था, गुरु तो नहीं था लेकिन उसने जाना ना विद्या से, शास्त्रों की, दुनिया की, तो यही है आपका जानना और जनवाना। तो हिंदी में तो ये है, लेकिन मैंने फिर से वही बात करी कि हिंदी में तो कुछ भी योगदान नहीं है, सारा गेम किसका, साइकोलॉजी के ऊपर सारा काम किसने किया हुआ है, आपके फॉरेन के राइटरों ने या लोगों ने। तो अंग्रेजी में शिक्षा को क्या कहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस ड्यू को। ए माने क्या होता है, अंदर से, और ड्यू को माने क्या होता है, टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट, मतलब कि बाहर निकालना। तो
अब बात आई कि एजुकेशन मतलब हो गया अंदर से बाहर निकालना। आपको लगा अरे जी कब बेवकूफ हो गया यार, अंदर से क्या बाहर निकालते हैं ऐसे। तो याद रखना, अंदर से बाहर क्या निकालना है, अंतर्निहित क्षमताओं को या व्यक्ति के अंदर छिपी शक्तियों को। तो जो आपके अंदर, ध्यान रखना सीटेट की पेडागोजी जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक वर्ड ही कम से कम 40 क्वेश्चनों का आंसर है, मैं आपको पहले वीडियो में बता देता हूँ। और वो वर्ड है हर बालक विशिष्ट होता है। बस समस्या क्या है, आप हनुमान जी की तरह हो, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं है, वैसे आप बच्चों को आपकी क्षमताओं और आपकी सीमाओं का ज्ञान दें। ध्यान रखना सिर्फ क्षमताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमाओं। हो सकता है, देखो ध्यान रखना, मैं इतने दिनों पढ़ाया, पहले मैं नहीं मानता था कि हर बच्चा कोई पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जब पढ़ाने दौरान जाना तो मैंने जाना कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ पढ़कर सीखता है, तो मैंने देखा कि कोई बच्चा लिखकर सीखता है, तो मैंने देखा कि कोई बच्चा सुनकर भी सीखता है, सिर्फ सुनने से सीखता है। मतलब किसी को गाना सुनकर याद होता होगा, किसी को गाना लिखकर याद होता होगा, किसी को गाना पढ़कर याद होता होगा, और किसी को आपको बोलकर, बार बार बोलकर याद होता होगा। तो वो आगे धीमे धीमे समझेंगे। तो व्यक्ति के अंदर कई सारी छिपी शक्तियाँ होती हैं, उनको जो बाहर निकालते हैं या आपको पता बताते हैं कि भैया आपके अंदर ये छिपी है शक्ति, कि आपको बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, जैसे मेरे अंदर है कि बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, तो ये जब हम काम करते हैं तो पता चलता है, ये शिक्षा ही लेके देती है। तो यही है आपका अंतर्निहित छिपी शक्तियों को बाहर निकालना। अब आप कहोगे सर छिपी शक्तियाँ बाहर निकल आएंगी तो क्या इनका अचार डालेंगे? आप ही बताओ, आपके अंदर की छिपी शक्तियाँ अगर बाहर निकलेंगी तो उससे क्या होगा? इससे होगा मानव का उन्नतिकरण। मतलब कि ये जो एजुकेशन है या शिक्षा है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, अंदर की शक्तियां बाहर निकलेंगी तो क्या होगा, मानव आगे बढ़ेगा, लीड आउट, ब्रिंग आउट होगा, मानव को क्या बनाएंगे, उन्नत बनाना। एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, मानव को उन्नत बनाना। क्लियर है? तो शिक्षा मतलब हो गया मानव को उन्नत बनाना, और साइकोलॉजी का मतलब हो गया मानव व्यवहार का अध्ययन। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा पहले थोड़ी देर में बोलता हूँ, पहले ये और समझ लो, बातें अबाउट शिक्षा में एक वर्ड यूज करूँगा मैं, ऐसा नहीं कि हर बात मैंने कहा ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों पे ही अपनी पकड़ रखनी है। याद रखना भारत देश क्यों पीछे हो गया, क्योंकि या ना तो हम अंग्रेजी सीख पाए और ना ही अपनी हिंदी को अपना पाए। अब हम बीच का रास्ता पा लेते हैं, अंग्रेजी भी देखेंगे और साथ में हिंदी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो जब भी शिक्षा की बात आए तो आप दो स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है? वैसे हजारों स्टेटमेंट हैं, लेकिन मेरे वीडियोज के दौरान जो मैं स्टेटमेंट बोलूँ बस उन्हें ही याद रख लेना। आई होप कि वो सबसे ज़्यादा बार आते हो, नहीं तो फिर ऐसा आएगा जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट दुनिया टीचर एमए पीएचडी कुछ भी किसी से नहीं बनेंगे जो आते हैं। आप देख ही चुके हैं जितनी बार पेपर देंगे, पुराने पेपर दें चाहे नए। और याद रखना सीटेट में कभी भी स्टेटमेंट नहीं आते, स्टेटमेंट आते हैं यूपी टेट में, ठीक है? यूपी टेट एक तरीके से रटने को बोलता है, लेकिन सीटेट किसको बोलता है, समझ को। तो ये सीटेट का हिस्सा नहीं है, फिर भी समझ लो। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है पहले तो याद रख लो, एडम्स का है। और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, ये किसका कथन है, जॉन डेवी का। एक एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पे ये मैं फिर से लिख देता हूँ, 20वीं और 21वीं सदी लिखा था यहाँ पे, ठीक है? तो द्विमुखी प्रक्रिया मतलब क्या है, इसमें सिर्फ टीचर होगा और क्या होगा, स्टूडेंट, और ये इन दोनों के बीच की प्रक्रिया है। जैसे आपका राम और उनके गुरुजी जो भी थे, उन दोनों के बीच की जो शिक्षा थी वही आपका कौन सी शिक्षा है, गुरुकुल वाली प्रणाली। टीचर आया, उसने जो कह दिया स्टूडेंट से, वो स्टूडेंट ने सीख लिया, उसके पीछे कोई तर्क वितर्क और ज्ञान मनोविज्ञान कुछ नहीं। तो ये था टीचर और स्टूडेंट। लेकिन धीमे धीमे धारणा गलत हो गई और फिर आया त्रिमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत, जो कहता है टीचर तो हो, स्टूडेंट भी हो, लेकिन साथ में सिलेबस हो। देखो याद रखना, जब आप बीएड या वीटीसी किताबें पढ़ोगे तो सिलेबस, लेकिन मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ ई। ई का मतलब होता है एनवायरमेंट, मतलब या पाठ्यक्रम, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है? आप बुकें देखोगे तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस मामले में मैं बुकों से भी ऊपर हूँ। तो यह रखना, एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, और एक क्या होगा, एनवायरनमेंट, मतलब आप आपका वातावरण। जैसे आपको याद है पहले जब आप पढ़ते थे, आपके पापा मम्मी पढ़ते होंगे, तो पहले बीएससी अगर करनी होती तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो थी। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, बायो की जगह आप माइक्रोबायोलॉजी लेने लग गए। कंप्यूटर आया तो क्या लेने लग गए, कंप्यूटर साइंस लेने लग गए। कंप्यूटर बीएससी आईटी होने लग गई। फिर बीसीए आ गया, बीबीए आ गया, एमबीए आ गया, एमसीए आ गया।
ये सब किसकी देन है? एनवायरनमेंट की देन है। तो इस तरीके से शिक्षा तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, टीचर स्टूडेंट का आपस में रिलेशन हो, टीचर का एनवायरनमेंट का अच्छा खासा ज्ञान हो और स्टूडेंट को भी एनवायरनमेंट का अच्छा खासा ज्ञान हो। जैसे देखिए मैंने पूरे आपको साइकोलॉजिकल वर्ड बताए, लेकिन हर जगह जब एग्जाम्पल बताया तो आपकी डेली लाइफ का, राम का, आपका, कुत्ते का, बिल्ली का, ताकि आपको चीज़ें क्या हों, समझ में आए। तो अभी तक हमने जाना है शिक्षा के बारे में क्या, शिक्षा हिंदी में शिच धातु या विद धातु से बनी है। विद माने पढ़ना और जानना और जन्माना होता है, शिच धातु मतलब होता है पढ़ना और पढ़ाना। इधर एजुकेशन वर्ड ए प्लस जूको से मिलकर बना है, ए माने अंदर से और डूको माने बाहर निकालना। अंदर से बाहर क्या निकालोगे? व्यक्ति के अंदर क्षमताओं को या छिपी शक्तियों को, और उससे क्या होगा? मानव क्या बनेगा? उन्नत। तो शिक्षा का काम क्या हो गया? मानव को उन्नत बनाना। और मनोविज्ञान का काम क्या हो गया? मानव व्यवहार का अध्ययन। तो प्यारे बच्चों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि सर मनोविज्ञान जान गए और शिक्षा जान गए, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? अब देखना आप, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? देखो, हमने जान लिया है कि मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? मानव व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा का मतलब क्या हो गया? मानव को उन्नत बनाना। यही तो हमने जान लिया इतना पूरे लेक्चर के दौरान, बस ये दो बातें सीख पाए, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया? मानव व्यवहार का अध्ययन। दोनों को अगर मिला दोगे, देखो रटना तो नहीं है कुछ भी, ना परिभाषा को रटना, मानव व्यवहार का अध्ययन मानव को उन्नत बनाने के लिए। गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, यही है क्लियर परिभाषा। अब देखो ये तो किसकी परिभाषा हो गई? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो तुम ही बताओ बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो आपके जो सिलेबस में है वो शिक्षा मनोविज्ञान तो है, लेकिन सीटेट के हिसाब से देखा जाए तो आपके सिलेबस में क्या है? बाल मनोविज्ञान। क्या मतलब निकले? बालक के व्यवहार का अध्ययन, बालक को, बस मानव की जगह क्या कर देना, बालक को उन्नत बनाने के लिए। गाइस आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा बाल मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, लेकिन याद रखना आपका जो सीटेट है वो बाल मनोविज्ञान पूछता है 15 नंबर का, और अगले 15 नंबर का उसका शिक्षा शास्त्र मतलब कि पेडागॉजी पूछेगा। तो सबसे पहले हम बाल विकास, बाल मनोविज्ञान मतलब बाल विकास पढ़ लेंगे, उसके बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिना कोई एफर्ट, एक बात की मैं बिल्कुल आपको गारंटी दे सकता हूँ, बस आप ये वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ भी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, और इससे जो भी समझ में आए उसका अपने एक 10 रुपये की कॉपी में आपका काम हो जाएगा। मुश्किल से 20 पन्ने आपके भरेंगे और आपका काम इतना अच्छा हो जाएगा, आगे जीवन में आपको कभी अलग से साइकोलॉजी या कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर एडवांसनेस लाने के लिए, मतलब कहने का सेंस ये है कि 30 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन तो ये 10-20 पन्नों से ही आते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन के लिए फिर आपको 10 किताबें क्या 50 किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? तो हमने जाना आज शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है ये भी जान चुके, और बाल मनोविज्ञान क्या होता है ये भी जान चुके। एक और सेंटेंस है जो आपका मनोविज्ञान को लेकर आता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस जगह लिख देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इस चीज़ को हटा देता हूँ, देखिए यहाँ से समझाता हूँ आपको इस जगह पर। तो सर्वप्रथम एक सेंटेंस इससे लिख करके आएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लिख रहा हूँ उस पर ध्यान ना दीजिए तब भी चलेगा। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, कॉमा लगाते आइए, फिर चेतना को त्यागा, और आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ये कथन है, स्टेटमेंट है, और ये एक स्टेटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। किसका है प्यारे बच्चों? वुडवर्थ का। किसका है? तो आज हमने 3 स्टेटमेंट जाने, नाम है एडम्स का,
जॉन डीवी का। जॉन डीवी कहता है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, एडम्स कहता है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, और वुडवर्थ कहता है मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, और आज यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो प्यारो एक बार और जस्ट 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो भी वीडियो बना है उसका रिकैप करते हैं। तो हमने क्या जाना, सबसे पहले हम जान रहे थे सी टैट के वी एस रीड सपोर्टेड स्पेशल मनोविज्ञान सीरीज। उसमें हम सबसे पहले आज का जो पहला वीडियो उसमें देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान शब्द का मतलब पहले जाना, अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहलाता है, हिंदी में मनोविज्ञान, हिंदी में मनाधन विज्ञान होता है मतलब कि मन का विज्ञान, और अंग्रेजी में साइकोलॉजी मतलब साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब पहला क्या था, आत्मा। 16वीं सदी के आसपास माना गया, किन लोगों ने माना, प्लेटो, अरस्तु और रूसो ने। इसके बाद 17वीं सदी आई, आत्मा या तो अच्छी थी या फिर बुरी, लेकिन अच्छी आत्मा ने बुरे काम किए, बुरी ने अच्छे किए, ये गलत हो गया। फिर क्या माना जाने लग गया, मन का अध्ययन। मन का विज्ञान मानने वाले लोगों कौन थे, मैकडूगल, पंपानोजी और थॉमस रीड। फिर इसके बाद मन भी, कोई मन कहता था, धोनी का मन कहता था कि भैया जिद करो दुनिया वालों, लेकिन पानी जैसे ऊपर से नीचे की ओर बहता है वैसे मन भी हमेशा नीचे की ओर ले आता है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। फिर मन के विज्ञान के बाद क्या माना गया, चेतना का विज्ञान, और ये 18वीं 19वीं सदी के आसपास माना गया। चेतना को अच्छे समझाने के लिए सिगमंड फ्रायड ने एक एग्जाम्पल दिया कि भैया चेतना 3 भागों में बटी है, चेतन, अवचेतन और अचेतन, अंग्रेजी में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आपको अगर नॉर्मल भाषा में समझना है तो चेतना मतलब प्रेजेंट माइंड, अवचेतन मतलब आपका थॉट प्रोसेस, और अचेतन मन मतलब वो मन जो बेहोशी की अवस्था होती है या फिर नींद की अवस्था होती है, जहाँ पर चेतन अवचेतन काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो चेतना इतना वाली बातें हैं ये किसके पास होती हैं, जिसके पास समझ हो, चेतना हो, जो कि सिर्फ कौन है, मनुष्य। लेकिन भैया मनोविज्ञान मतलब ये तो कुत्ता भी तो कुछ ना कुछ समझता है, बिल्ली भी तो कुछ ना कुछ समझता है, तोता भी तो कुछ ना कुछ समझता है। तो फाइनली फिर हमने जाना मतलब ये भी चीज़ गलत हो गई, और बाटसन ने कहा कि नहीं, चेतना का विज्ञान नहीं होता, आत्मा का विज्ञान नहीं होता, मन का नहीं होता, किसका होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। तो इसके जनक कौन है, बाटसन, और इसके चेले चपाटों के नाम क्या है, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल और गुथरी। ये सब अपने आप याद हो जाएंगे, आपको अलग से कोई रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये मनोविज्ञान कंप्लीट हो गया था। फाइनली मनोविज्ञान का मतलब क्या निकल के आया, मानव व्यवहार का अध्ययन। इसके बाद हम आए शिक्षा पर, शिक्षा और विद्या को जान लिए। एजुकेशन मतलब ए प्लस ड्यू को, ए माने अंदर से, ड्यू को माने ब्रिंग आउट, बाहर निकालना, अंदर से बाहर क्या निकालना, व्यक्ति के अंदर ने क्षमताओं का, छुपी शक्तियों को। और फाइनली इससे क्या होगा, शिक्षा का मतलब या एजुकेशन मतलब होगा मानव को उन्नत बनाना। फाइनली फिर हमने देखा दोनों शब्द मिलाकर कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान का क्या मतलब हुआ, कि ऐसा शास्त्र शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाई की वह शाखा है जिसमें हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, काहे के लिए, मानव को उन्नत बनाने के लिए। तो फिर बाल मनोविज्ञान क्या होगा, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बालक को उन्नत बनाने के लिए। हमने 3 कथन जाने, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, फिर से बताओ जल्दी से किसका है, एडम्स का, त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी का, मनोविज्ञान ने आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, और यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाने आता है, किसका कथन है, वाटसन का, पूरा नाम इनका आरएस वुडवर्थ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम जानेंगे कि भाई शिक्षा को देखने के तरीके क्या हैं, मनोविज्ञान की विधियाँ क्या है, मानव व्यवहार को कैसे जानते हैं, मनोविज्ञान को विद्वानों ने कैसे कैसे तरीके से देखा, और भी ऐसे ही पूरी सीरीज एक नंबर की तरह से। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर पहला वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं, और अगर बोरिंग लगा हो तो आप बिल्कुल लिखें बोरिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा बने। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय गाइस, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग साइकोलॉजी वीडियोज़।